नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल टेक आरबीएम में। आज मैं बात करने वाला हूँ जो यहाँ पे मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में, जो फर्स्ट T20 मैच होगा उसके ड्रीम इलेवन टीम प्लेइंग इलेवन, और बात करेंगे प्लेयर के एवरेज की, तो जिससे आपको टीम बनाने में सुविधा होगी और आप एक अच्छा टीम बनाकर अच्छा विन कर सकते हैं। तो बात करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में, जो पहला T20 मैच खेला जा रहा है। तीन मैचों का T20 सीरीज है और ये चार मैचों का उसके बाद टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद है तीन ODI खेला जाएगा। तो ये फर्स्ट T20 मैच है जो खेला जाएगा, गाबा ब्रिस्बेन में मैच खेला जाएगा गाबा में। तो बात करेंगे पिच की, तो पिच फास्टर को सपोर्ट करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्टर को ही पिक कीजिएगा। और बात करेंगे प्लेइंग इलेवन की, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन में एरोन फिंच जो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, डार्सी शॉट के साथ ओपनिंग करेंगे, जिनका एरोन फिंच का एवरेज है 47 मैचों में 35 का एवरेज है, 172 हाई स्कोर है, 9 और शतक और 2 शतक इनके नाम है। वही बात करेंगे यहाँ से डार्सी शॉट की, तो 15 मैचों में 31 का एवरेज है, 76 हाई स्कोर हैं और 4 और शतक इनके नाम है, और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो उसके बाद है क्रिसलिन, तो क्रिसलिन 15 मैचों में 18 का एवरेज है और 44 हाई स्कोर है इनका, अभी तक कोई और शतक नहीं लगाए हैं। तो हो सकता है कि इस मैच में एक और शतक लग जाए, तीन T20 है किसी में भी एक और शतक लग जाए। उसके बाद है यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल है, जिनका एवरेज 54 मैचों में 26 का एवरेज है, 145 हाई स्कोर है, 5 और शतक और 2 शतक है इनके नाम, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, 39 मैचों में 25 विकेट ले चुके हैं। वही बात करेंगे यहाँ से बेन मैकडॉन की, तो इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है 24 मैचों में 23 का एवरेज है, 114 हाई स्कोर है, 1 और शतक और 1 शतक इनके नाम है। वही बात करेंगे यहाँ से मार्कस स्टोनिस की, तो 14 मैचों में 9 का एवरेज है, 16 हाई स्कोर है, और राइट आर्म मीडियम प्रेशर गेंदबाजी करते हैं और 13 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ से एलेक्स कैरी हैं, जो विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, 16 मैचों में 8 का एवरेज है और 37 हाई स्कोर हैं, इनको कम चांस मिलता है, नहीं तो ये भी अच्छे बल्लेबाज हैं और अच्छा रन बना लेते हैं। उसके बाद है यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में, तो बेहरन ड्रॉफ है, जो लेफ्ट आर्म फास्टर गेंदबाजी करते हैं और ओवरऑल रिकॉर्ड इनका है 40 मैचों में 57 विकेट ले चुके हैं। वही बात करेंगे यहाँ से एंड्रू टाई की, तो एंड्रू टाई काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 23 मैचों में 35 विकेट ले चुके हैं, और जो पिछला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका से उसमें भी 2 विकेट निकाले थे ये। उसके बाद है नाथन कोंटरलाइन है, जो राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं और 24 मैचों में 30 विकेट ले चुके हैं, और उसके बाद है यहाँ से बिली स्टेनले हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 16 मैचों में 24 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे बेंच की, तो बेंच में यहाँ से एडम जाम्पा और अस्टोन अगर हो सकते हैं, तो एडम जाम्पा लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग करते हैं और 17 मैचों में 19 विकेट ले चुके हैं, और अगर सुलो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं 15 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं। तो अगर एक यहाँ से स्पिनर को लिया जाता है तो एडम जाम्पा को ही मौका मिलेगा, लेकिन यह फास्टर का पिच है तो यहाँ से जाम्पा का कम चांस बनता है, यहाँ से बेरन ड्रॉफ ही खेलते हुए नजर आएंगे, और बेरन ड्रॉफ को पिछले मैच में खिलाया गया था और 1 विकेट निकाले हुए थे यहाँ से, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से इंडिया का प्लेइंग इलेवन की, और इंडिया का प्लेइंग इलेवन में रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग करते नजर आएंगे, रोहित शर्मा का यहाँ 87 मैचों में 28 का एवरेज है, 118 हाई स्कोर है, 15 और शतक और 4 शतक इनके नाम है। तो उसके बाद है शिखर धवन, तो 43 मैचों में इनका 26 का एवरेज है, 92 हाई स्कोर है और 8 और शतक मार चुके हैं अभी तक। उसके बाद यहाँ से नंबर 3 पर आएंगे लोकेश राहुल,
और 22 मैचों में 38 का एवरेज है, 110 हाई स्कोर हैं और 4 और शतक और 2 शतक इनके नाम भी है। उसके बाद है विराट कोहली, तो विराट कोहली नंबर 3 पर भी आ सकते हैं, टीम के कप्तान हैं और 62 मैचों में 36 का एवरेज है, 90 हाई स्कोर और 18 और शतक हैं। तो T20 में काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ से आ रहे हैं। तो उसके बाद है ऋषभ पंत, जिनका ओवरऑल रिकॉर्ड है 58 मैचों में 32 का एवरेज है, 128 हाई स्कोर हैं, 13 और शतक और 2 शतक हैं इनके नाम। उसके बाद है दिनेश कार्तिक, जो विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे, 24 मैचों में 15 का एवरेज है और 48 हाई स्कोर हैं, अभी तक कोई और शतक इनके नाम नहीं है इंटरनेशनल T20 में। उसके बाद हैं कृणाल पांड्या, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किए थे, तो इनका ओवरऑल है रिकॉर्ड है 65 मैचों में 19 का एवरेज है, 86 हाई स्कोर, 2 और शतक लगा चुके हैं और यहां से स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और 52 विकेट भी ले चुके हैं। उसके बाद यहां से कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे, जो स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाजी करते हैं और 14 मैचों में 29 विकेट ले चुके हैं, काफ़ी अच्छे हर मैच में 2 विकेट निकाल ही लेते हैं। उसके बाद है यहाँ से भुवनेश्वर कुमार है, राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 31 मैचों में 31 विकेट ले चुके हैं। और उसके बाद खलील अहमद हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और इनका ओवरऑल रिकॉर्ड है 15 मैचों में 20 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ से जसप्रीत बुमराह हैं, राइट आर्म मीडियम पेसर गेंदबाजी करते हैं और 37 मैचों में 46 विकेट ले चुके हैं, तो काफ़ी अच्छे गेंदबाजी करते हैं जसप्रीत बुमराह। और बेंच पे बैठना पड़ सकता है युजवेंद्र चहल को, जो लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग करते हैं और 27 मैचों में 44 विकेट ले चुके हैं। तो यहाँ से युजवेंद्र चहल का स्थान बनता नहीं दिख रहा है, तो युजवेंद्र चहल को बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, तो टीम मैंने बनाया है आपको, तो मैंने 2 टीम बनाया है, एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले टीम में विकेट कीपर में मैंने दिनेश कार्तिक को ही लिया है। उसके बाद बात करेंगे बैटिंग सेक्शन में, तो मैंने यहाँ से विराट कोहली को, रोहित शर्मा को और एरन फिंच को लिया है और यहाँ से डार्सी शॉट को मैंने लिया है। आप यहाँ से क्रिसलिन को रख सकते हैं और शिखर धवन है, लोकेश राहुल हैं, ऋषभ पंत को आप रख सकते हैं, ज़्यादा आप क्रिसलिन को ले सकते हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे पिक रहेंगे। और यहाँ से डरमोंट को रख सकते हैं क्रेडिट मैनेज करने के लिए, तो मैं यहाँ से डरमोंट को नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक ही ऑलराउंडर रखा है पहले टीम में, मैंने यहाँ से सिर्फ कृणाल पांड्या को लिया है, ग्लेन मैक्सवेल को, अगर यहाँ से क्रेडिट मैनेज होता तो ग्लेन मैक्सवेल को मैंने रखता, तो मैंने यहाँ से। उसके बाद बात करेंगे बॉलिंग की, तो मैंने 5 बॉलर ले लिए हैं पहले टीम में, अगर आप 5 बॉलर नहीं लेना चाहते हैं तो किसी को एक बॉलर को हटाकर यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल को पिक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से 5 बॉलर ही लिया है, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, एंड्रू टाई हैं और यहाँ से नाथन कोंटन लायन है और मैंने खलील अहमद को पिक कर लिया है। तो आप यहाँ से इन तीनों में से किसी एक को हटाकर आप यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल को ही रखिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और एंड्रू टाई को ही लेकर चल रहा हूँ। नहीं तो आप यहाँ से डार्सी शॉट को हटाकर आप यहाँ से क्रेडिट नहीं मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से ही हटाना पड़ेगा। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं यहाँ से कैप्टन विराट कोहली को बनाया है और वाइस कैप्टन एरन फिंच को बनाया है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ एरन फिंच काफ़ी अच्छा खेलते हैं और विराट कोहली तो अच्छा खेलते हैं और लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छा पारी खेलेंगे। उसके बाद बात करेंगे दूसरी टीम की, तो दूसरा टीम का मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से दिनेश कार्तिक को ही रखा है, यहाँ से मैं एरन फिंच को हटाया है और क्रिसलिन को ले लिया है, तो बहुत बड़ा रिस्क है, अगर एरन फिंच नहीं चलते हैं तो ये टीम चलेगा। और मैंने डार्सी शॉट को लिया है, रोहित शर्मा को मैंने कप्तान बनाया है और ग्लेन मैक्सवेल को मैं रखकर वाइस कैप्टन बनाया है और मैंने फिर से 5 बॉलर लिया है
और पांचों वही बॉलर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, नाथन कुंटलान, खलील अहमद और एंड्रू टाइलिया हैं। आप यहां से बॉलर को कम करके आप बैटर या ऑलराउंडर ले सकते हैं। यहां से ऑलराउंडर में कुणाल पांड्या को आप पिक कर सकते हैं। तो ये है टीम टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन पिक अपना कीजिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।